हेलो, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर 167 पे मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। क्रूज के हम सफर में हम कुछ ऐसे किरदारों के साथ सफर कर रहे हैं जिन्होंने यीशु के आखिरी लम्हों में या उसकी फाइनल डेस्टिनी में कहीं ना कहीं योगदान दिया। आज का हमारा किरदार एक बहुत पावरफुल हाकिम है जिसका नाम था मार्कस पॉइंटस पिलाटस या पेंतुस पिलाटस। उस जमाने के सबसे जबरदस्त ताकतवर रोमन एम्पायर में वो यहूदा राज्य का गवर्नर था और इसलिए यीशु का मुकदमा उसके सामने था। यीशु पर इल्जाम था कि वो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता था। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसमें राजद्रोह के मामले में यीशु को सजाए मौत हो सकती थी और ये सजा सिर्फ पिलातुस उसे दे सकता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा कि क्या वो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता था, तो यीशु ने जवाब दिया, देखेंगे यमुना 18 उसकी 36 और 37 आयत के कुछ भाग। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस जगत का नहीं, मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं और जो सत्य का है वो मेरा वचन सुनता है। ये एक बहुत ही खास आयत है जिसमें यीशु खुद अपनी आइडेंटिटी और अपना रूहानी स्वरूप बता रहे हैं जो कि वो लोग या तो समझना नहीं चाहते थे या शायद समझ नहीं पाए। यीशु का मुकदमा आगे बढ़ता है। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत पढ़ेंगे। पिलातुस ने कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार भी मुझे है? तो यीशु ने उसे कहा, यदि तुझे ऊपर से ही ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं था। व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट। उस जमाने के रोमन अधिकारी अपने अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, पर ऐसा महसूस होता है कि यीशु से इस छोटी सी मुलाकात ने पिलातुस की आत्मा को झंझोर दिया और वो यीशु को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो कामयाब ना हो पाया, बल्कि भीड़ उपद्रव पर उतारू हो गई। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, और वो बल्कि पिलातुस को ही दोष देने लगे। अब तो पिलातुस को लगा होगा कि उसकी गवर्नर की पदवी भी खतरे में थी। एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट हमारे सामने है। मती की इंजील उसके 27 अध्याय और 24 आयत में जहां लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता तो और परंतु उसके विपरीत उपद्रव होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। कितना मजबूर हाकिम था वो, जानते हुए कि यीशु निर्दोष है, धर्मी है, वो कुछ नहीं कर पाया। प्रियो, यीशु का फैसला आज हमारे हाथ में है। क्या हम उसको अपने लिए चुनते हैं या आसपास के उपद्रव, शोर और डर के माहौल से घबरा कर अपने हाथ धो लेते हैं उसे, या उसको टालते हैं, इग्नोर करते हैं, इनडिसाइसिव हैं? पर घबराइए नहीं, यीशु हमारा फैसला करने में मदद कर रहा है। वो कहता है मती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल ही जाएंगी। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी देगा वो, सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी देगा वो, सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो। आमीन। अगर आपको आज का मैसेज पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।